डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक जो है वह है द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज इट मीन्स मैट्रिक्स के प्रकार, आव्यूहों के प्रकार क्या होंगे उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आपको हम समझाए हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स के फर्स्ट लेक्चर में आपको हम बता चुके हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, और उसमें हम आपको ऑर्डर भी बताए हैं कि ऑर्डर जो होता है वह मैट्रिक्स का साइज बताता है, उसमें कितने रो और कितने कॉलम्स हैं ये बताता है। तो रो इनटू कॉलम्स एंड रो बाय कॉलम्स जिसको हम कह लें, तो रो इनटू कॉलम्स का जो फॉर्म होता है वही ऑर्डर देता है। तो इसके डिफिनेशंस बहुत हद तक रो इट मींस ऑर्डर पर डिपेंड करेगा और एलिमेंट्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट मैट्रिक्स, अच्छा एक मैट्रिक्स का जो फॉर्म होता है वो आपको ये होता है। देखिए ये ए हो गया, अब इसका मेंबर स्टार्ट होता है A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n। जब आप रो से रो के अनुदिश रो के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रो फिक्स रहता है, रो चेंज नहीं करता है। जब आप रो के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रो चेंज नहीं करता है। आप देखिए ये फर्स्ट नंबर रो है, ये पहला सफिक्स जो है यहां वन यहां वन यहां वन ये वन, ये आपको रो के नंबर को रिप्रेजेंट करता है या फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करता है। और उसमें सेकंड सफिक्स को देखिए, सेकंड लोअर सफिक्स को देखिए तो उसमें वन है पहले में, फिर टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है, और इस तरह से डॉट डॉट बढ़ता हुआ एन तक गया है, जो कि कॉलम्स की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉलम्स बढ़ते बढ़ते कहां तक गया, एन तक गया है। कॉलम्स बढ़ते बढ़ते कहां तक गया, एन तक गया। इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स तो एन हो गया। अब आप आगे बढ़िए, ए टू वन। अच्छा एक और काम करते हैं, इस वन एन तक जाने से पहले बीच में एक जगह हम वन जे लिख लेते हैं, और ये फिर बढ़ते हुए ए वन एन तक हम गए हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में है, और ये फर्स्ट रो जे एथ कॉलम और ये फर्स्ट रो एन एथ कॉलम, ऐसे है। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये फिर ए टू वन लिखाया, ये सेकेंड रो जा रहा है ए टू टू, फिर ए टू थ्री डॉट डॉट ए टू जे आएगा, और ये फिर से यहां ए टू एन आएगा। अब आगे देखिए, ये हम इतना नहीं लिखना चाह रहे, अब हम क्या करते हैं, आपको ये डॉट डॉट ऐसे दे दिए। ठीक है, ये आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से जाएगा। अगर आप इसको देखें, ठीक है ना, तो ए आई वन लेते हैं, ए आई वन आई एथ रो। अब हम कौन रो ले रहे हैं, आई एथ रो। जब आई एथ रो हम ले रहे हैं तो ध्यान दीजिए, ये आई वन इट मीन्स आई एथ रो फर्स्ट कॉलम, एंड इट रिप्रेजेंट आई एथ रो सेकेंड कॉलम, है ना, ए आई टू, है ना, आई एथ रो सेकेंड कॉलम। फिर आया ए आई थ्री, आई एथ रो थर्ड कॉलम डॉट डॉट ए आई जे, ये जे एथ कॉलम आ रहा है, इधर से आई एथ रो जा रहा है, और ये बढ़ते बढ़ते ए आई एन हो गया। अब ये ऐसे डॉट डॉट जैसे हम जे के बाद दिए थे ऐसे ही। हम अब गौर करिए, अगर हम ए एम वन ले लें, ए एम वन ये हमारा हो जाएगा ए एम टू, ऐसे ए एम टू। जब हम रो के अलोंग में मूव करते हैं तो रो में चेंजिंग नहीं आता, रो नंबर वही रहता है बट कॉलम नंबर चेंज होता है। और जब हम कॉलम के अनुदिश मूव करते हैं, कॉलम के अलोंग मूव करते हैं, तब हमारा कॉलम नंबर फिक्स रहता है और रो नंबर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आइए यहां पर इस तरह से आप एक बात याद रख सकते हैं कि ए आई जे, ए आई जे
ये है आपको एलिमेंट का जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट, द जनरल फॉर्म ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का है ना जनरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट हो गया, जो दिखाता है इट सिचुएटेड है ना, इट सिचुएटेड एट आईथ रो एंड जेथ कॉलम, जेथ कॉलम, ठीक है। ये देखिए यहां से क्या क्या हमको कंक्लूजन निकलता है उस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इफ है ना वी मूव, इफ वी मूव अलोंग टू रो देन I इज कॉन्स्टेंट, I मीन्स रो नंबर कॉन्स्टेंट, एंड J इज वेरिएबल, J हमारा वेरिएबल होगा, J हमारा वेरिएबल होगा, वो चेंज करेगा। और इफ वी मूव अलोंग टू कॉलम, अलोंग टू कॉलम, देन Z is constant and I is variable, I is variable। ये बात आप समझ गए होंगे कि यदि कॉलम के दिशा में हम मूव करते हैं, यदि हम कॉलम के दिशा में मूव करते हैं तो ऐसी स्थिति में कॉलम फिक्स रहता है, जे कांस्टेंट रहता है और आई रो की संख्या वैरी करता है, चेंज होता है। और वह चेंज कहां से कहां तक होगा, वन से एन तक, वन से एन तक, इसमें इसमें जे का वैल्यू वन से एन तक और आई का वैल्यू वन से एम तक। गौर करिए रो की संख्या एम है और कॉलम की संख्या आपको ये देखिए आएगा एम थ्री डॉट डॉट ए एम जे और यहां पहुंच के ए एम एन पहुंचेगा। सो आई का वैल्यू आपको कहां से कहां तक जाएगा, आई का वैल्यू वन टू थ्री डॉट डॉट एम तक जाएगा और जे का वैल्यू आपको वन टू थ्री डॉट डॉट कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। क्लियर है, मुझे विश्वास है कि शायद अभी तक मैंने जितना यहां पर डिस्कस किया इसको आप समझे होंगे, ठीक है। अब ये इतना बड़ा जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ए बराबर, जो मैट्रिक्स का भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिए हैं, मैट्रिक्स का ये एक्सपेंडेड फॉर्म एकदम विस्तार में लिख दिए हैं उसको, अगर हम इसको सॉर्ट करें इसी मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स है इसको अगर हम सॉर्ट कर दें तो ये ऐसे लिखाएगा ए आई जे एम इंटू एन। ये देखिए ये मैट्रिक्स हो गया, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट विदाउट ब्रैकेट, दिस रिप्रेजेंट एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड विथ ब्रैकेट दिस रिप्रेजेंट द जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब आगे आइए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। तो अब हम इसी एलिमेंट और ऑर्डर के आधार पर इसको हम क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, देखिए कैसे इसको। सबसे पहला फर्स्ट, फर्स्ट अगर हम लेते हैं तो नल मैट्रिक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, नल मैट्रिक्स। सबसे फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा जो है एक नंबर ये है आपको नल मैट्रिक्स। चलिए समझिए सारे मैट्रिक्स को, ये अभी मैट्रिक्स का जो डिफिनेशन डिफाइन हो रहा है यह इसके साइज और एलिमेंट के कैरेक्टर के बेस्ट पर, साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मैट्रिसेज एंड द कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, इस पर हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे मैट्रिक्स का हम ऑपरेशन सीखेंगे, ऑपरेशन जोड़ घटाओ गुना है ना ये सब सीखेंगे, उसका इनवर्स निकालना सीखेंगे, वैसे वैसे मैट्रिक्स के टाइप्स और बढ़ते जाएंगे, ठीक है।
फिर ट्रांसपोज पढ़ेंगे तो उसके आधार पर आएगा। मानिए मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन के आधार पे आपको आएगा आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स, उसके बाद आपको आएगा क्या कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स आएगा, फिर उसके बाद आपको एक यूनिटरी मैट्रिक्स आएगा। ठीक उसी तरह से फिर आगे हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज पर भी हमको आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगा। फिर उसके बाद आपको ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे तो हर्मिटियन एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स यानी इनवोलुटरी आएगा। तो इस तरह से आपको जैसे जैसे हम इसका ऑपरेशन पढ़ाते जाएंगे ठीक उसी तरह से इसमें नए नए टाइप्स क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो स्टार्ट हुआ है यह ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मैट्रिक्स एंड द कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। आइए बात करते हैं हम लोग नल मैट्रिक्स। कहता है इफ इच एलिमेंट, इच मीन्स क्या हो गया प्रत्येक, इच एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज जीरो देन द मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। क्लियर है, यदि किसी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट इच प्रत्येक सदस्य प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो जाए तब उसको हम क्या कहेंगे नल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, दैट इज ऐसे लिख सकते हैं इफ ए इक्वल टू ए आई जे, देखिए वो तो लैंग्वेज में हो गया, अब इसको देखिए इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज एनी मैट्रिक्स एंड ए आई जे इज इक्वल टू आपको जीरो दे दिया फॉर ऑल आई एंड जे। ये देखिए फॉर ऑल या फॉर एवरी का है, इस आई और जे की जगह कुछ भी क्यों ना वैल्यू हर स्थिति में ए आई जे किसके बराबर हो जाए जीरो के बराबर। देखिए कैरेक्टर दिखा दिया किसका एलिमेंट का कि ये जीरो होना चाहिए तब जाके वो क्या हो जाएगा आपको नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप नल मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ गए। ठीक है कि जिस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे नल मैट्रिक्स कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे नल मैट्रिक्स। मैथमेटिकली डिफाइंड यहां हम आपको कर दीजिए ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई एन जे। ठीक है, नेक्स्ट नल मैट्रिक्स के बाद जो हमारा टाइप आएगा वो है आपको रो मैट्रिक्स या आप कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। आइए देखें क्या है रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, है ना, उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। रो मैट्रिक्स सेकेंड टाइप है ये, रो मैट्रिक्स सेकेंड। अब हम उतना लैंग्वेज नहीं देते हैं, इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज एनी मैट्रिक्स एंड एम इक्वल टू वन देन ए इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, दोनों में से कोई वर्ड यूज हो सकता है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। ठीक है, डिफिनेशन से क्लियर है इफ एनी मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो देन इट इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स, है ना। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो, जिसमें क्या हो सिंगल रो हो उसको हम क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो देखिए यहां ये ए इक्वल टू हम एक मैट्रिक्स लिए 5 8 9, बी ले लिए हम 0 7 3 -2। अब अगर आप गौर करिए तो इसमें सिंगल रो है, इसमें भी सिंगल रो है। ठीक है, और कॉलम की संख्या
ज्यादा है, इसमें कॉलम थ्री हो गया, थ्री कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको वन इंटू फोर ऑर्डर में लिखा जाएगा। और सी अगर केवल हम यहां फाइव लिख दिए तो वन इंटू वन, हमको इससे मतलब नहीं है कि कॉलम की कितनी संख्या है, हमारा डिफिनेशन है कि रो की संख्या केवल एक होनी चाहिए, कॉलम पर तो चर्चा ही नहीं है, तो उसको हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप ठीक से देखें तो यहां दिए हुए तीनों एग्जाम्पल में आपको रो की संख्या केवल एक है, रो की संख्या केवल एक है, तो आप यहां कह सकते हैं कि दीज आर रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। नाउ आवर थर्ड मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स, अब हमारा थर्ड मैट्रिक्स होगा, है ना, जिसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। आइए थर्ड मैट्रिक्स में गौर करिए, तीसरा नंबर, ठीक है, इसका नाम है आपको कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। अब नाम से क्लियर है, वही डिफिनेशन सेम सेम लिखाएगा, बस m इक्वल टू वन के जगह पे n इक्वल टू वन हो जाएगा। तो लिखेंगे इफ a इक्वल टू, है ना, ए आई जे एम इंटू एन इज एनी मैट्रिक्स एंड n इक्वल टू वन, देन ए इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, वेक्टर, सॉरी रो वेक्टर कह लीजिए या सॉरी कॉलम वेक्टर कह लीजिए या कॉलम मैट्रिक्स, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। क्लियर है, देख लीजिए ठीक से कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, है ना, इफ एनी मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम देन इट इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, ठीक है। तो आइए यहां देखिए, हम ऐसे एग्जांपल ले लें, ए इक्वल टू हमने ऐसा लिखा थ्री फोर फाइव, अगर आप इसे देखें इसमें रो की संख्या कितनी है, पहले हमेशा रो की संख्या लिखी जाती है, तो जितने बार आप हॉरिजेंटल फिंगर मूव करेंगे, जितने बार हॉरिजेंटल फिंगर इस तरह से हॉरिजेंटल, है ना, फिंगर को हॉरिजेंटल मूव कराइएगा तो वो रो कहलाएगा, वन टू थ्री, रो की संख्या थ्री हो गई, एंड वर्टिकली जितना बार आप फिंगर को मूव कराएंगे वो कॉलम दिखाता है, तो वर्टिकली मूव कीजिए ऐसे, तो थ्री इंटू वन, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री बाई वन और थ्री इंटू वन, हेयर नंबर ऑफ रोज इज थ्री एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज आर थ्री एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज वन, है ना। अब ये जो है मैट्रिक्स, इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर, जो आपको बोलना है आप बोल सकते हो कॉलम वेक्टर। उसी तरह सेकेंड ले लीजिए बी, यहां पे ये देखिए एट टू थ्री, ये भी आपको कैसा है, एट माइनस टू थ्री ले लिए, और ये भी थ्री बाय वन का आपको कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक उसी तरह अगर हम सी ले लेते हैं, यहां फाइव माइनस फोर ले लिए, अब ये भी देखिए कॉलम मैट्रिक्स है और यह आपको टू बाय वन का है, और अगर ये डी ले ले हम जिसके अंदर ओनली सिक्स लिख दिए, यह वन बाय वन का है और यह भी आपको कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स आप समझ गए कि क्या होगा, रो मैट्रिक्स भी समझ गए, कॉलम मैट्रिक्स भी आप समझ गए। अब अगला जो हमारा डिफिनेशन है वह है चौथा नंबर, फोर्थ नंबर। आइए हम फोर्थ नंबर मैट्रिक्स को देखें, जिसका नाम होगा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल नाम से क्लियर है, जो हमको क्षैतिज दिखे, हॉरिजेंटल का हिंदी क्षैतिज होता है, वो क्षैतिज दिखे, हॉरिजेंटली थोड़ा सा हमको क्या कहें उसको, एक तरह से लेटा हुआ जैसा महसूस हो इस तरह का, ठीक है, फ्लैट दिखे, फ्लैट वर्टिकल नहीं। तो आइए हम इस पर बात करते हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, है ना, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर नंबर, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स।
देखिए ये साइज के आधार पर अब इसको डिफाइन किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब इस पर साइज पर हो रहा है बात। हमने रो मैट्रिक्स को देखा, वह भी साइज पर था, कॉलम मैट्रिक्स वो भी साइज पर था, एम और एन पर कंडीशन था। अब यहां मिलिए, अब ये है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसका कहना है कि ऐसे दिखना चाहिए, है ना, हॉरिजॉन्टल इस तरह से। हॉरिजॉन्टल तब दिखेगा जब रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या ज्यादा हो, रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज्यादा हो। अगर आप ठीक से देखो तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, ये आपको हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा है, ये आपको ऐसे वर्टिकल दिख रहा है। देख रहे हो ना आप, वर्टिकल दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल ऐसे दिखना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के लिए एम की संख्या, इसमें अगर गौर करिए तो एम ज्यादा है। एम एम मीन्स रो, एन मीन्स कॉलम, तो रो की संख्या कॉलम की संख्या से यहां पे ज्यादा है ना। तो अब हमको हॉरिजॉन्टल बनाना है, तो सिंपल सा ऐसे डिफिनेशन लिखेंगे, इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम इन टू एन इज एनी मैट्रिक्स, इज एनी मैट्रिक्स एंड एम इज लेस देन एन। इक्वल का साइन नहीं है, एम इज लेस देन एन, बराबर होने का संभावना यहां नहीं छोड़ा है, बराबर होने ही नहीं देना है। हमेशा रो की संख्या कॉलम से कम होगी तभी जाकर के हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। तो एम इज लेस देन एन देन ए इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो देखिए, ये एग्जाम्पल हम लिए यहां 5 2 3, ये भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स भी है ये, सिंगल रो होने के वजह से, और ये हॉरिजॉन्टल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल बी लेते हैं, आइए 5 -2 -4 -7 8 9। अब इसे अगर आप गौर से देखें तो ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है, 2 बाय 3 का है, 2 रो है, 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स। ऐसे गौर करिए, देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है, रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है, तो इसका नाम पड़ेगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या नाम पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। लेकिन आप एक चीज देखिए कि जितना हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा वो रो मैट्रिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, जो हॉरिजॉन्टल होगा वह रो भी हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर कोई रो मैट्रिक्स है तो वो हॉरिजॉन्टल भी होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट मैट्रिक्स में आइए, अगला हॉरिजॉन्टल के बाद 5 नंबर। 5 नंबर जो है वह आपको है वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या है? वर्टिकल मैट्रिक्स। नाम से क्लियर है, आप देख रहे हैं यहां पर कि वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल तो हम लोग देख लिए है ना, अब हमारा मैट्रिक्स जो है 5 नंबर वो है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स ध्यान दीजिए, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? नाम से क्लियर है कि ये थोड़ा सा ऊर्ध्वाधर दिखेगा, हिंदी में वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर कहते हैं, तो ये आपको खरा दिखेगा। खरा कब दिखेगा? जब रो की संख्या ज्यादा होगी और कॉलम की संख्या कम होगी। तो अब यहां लिखेंगे इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम इन टू एन इज एनी मैट्रिक्स, इज एनी मैट्रिक्स सच दैट एम इज, अब ग्रेटर देन एन हो गया, रो की संख्या कॉलम से ज्यादा, देन ए इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स, ए इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। चलिए देखिए यहां वर्टिकल मैट्रिक्स। अब एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसको देखिए,
5, 8, 9। अगर इसका ऑर्डर पूछें तो लिखाएगा 3 into 1। बोला रो की संख्या कॉलम से ज्यादा होनी चाहिए, है कि नहीं है? और ये कॉलम वेक्टर भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और वर्टिकल भी है। बी नंबर आइए, बी को देखिए, 7 - 2 - 8 - 4 - 3 - 9। इसको देखिए, ये कितना बाय कितना का है? तो 3/2 का है, 3/2 का है ना। इट मीन्स इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। हेयर नंबर ऑफ रोज आर 3 and number of columns are 2। ठीक है, 3 रो है और 2 कॉलम है और रो की संख्या कॉलम से ज्यादा है। चेक कर लीजिए, रो की संख्या कॉलम से ज्यादा है इसलिए ये आपको वर्टिकल दिख रहा है ना। इसका नाम पड़ा वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? वर्टिकल मैट्रिक्स भी आप समझ गए, हॉरिजॉन्टल भी समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स जो होगा 6 नंबर, उस पर आते हैं हम लोग, 6 नंबर मैट्रिक्स पे। ठीक है, 6 नंबर मैट्रिक्स जो है उसको हम लोग नाम देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम देंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आइए 6 नंबर मैट्रिक्स को देखिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेज। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेज या मैट, हाँ चलिए कोई प्लुरल लिखने के बजाय पर हम सिंगुलर लिख देते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिंगल। चलिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? नाम से क्लियर है कि आयताकार दिखना चाहिए, नहीं आयताकार दिखना चाहिए। तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और ये भी है ना। तो इसका डिफिनेशन सिंपल है, इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज एनी मैट्रिक्स, इज एनी मैट्रिक्स सच दैट एम इज नॉट इक्वल टू एन इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर अनइक्वल, है ना। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर अनइक्वल फॉर एनी मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या अनइक्वल हो, असमान हो, अलग अलग हो, दोनों में बराबर नहीं हो, तब ऐसी स्थिति में उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार मैट्रिक्स आव्यूह, जिसको हिंदी में कहते हैं आयताकार आव्यूह कहेंगे। तो देखिए, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन हो गया कि एम और एन आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। द नंबर ऑफ रोज शुड नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होना चाहिए। तो अब आइए यहां एग्जांपल लिखते हैं, देन ए इज कॉल्ड, पहले इसको पूरा कर दें हम डिफिनेशन, देन ए इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहां तक? डिफिनेशन समझ रहे होंगे? जो भी हमारे 12 के स्टूडेंट हैं वो सब इसे समझ करके अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ ही जैसे ही आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होता है तो फिर क्वेश्चन को देख करके आपको इंडक्शन मिलता है, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाते हैं। तो लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स खुद में एक लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स जो है वो खुद में एक लैंग्वेज है जो किसी चीज को एक्सप्लेन मैथमेटिकली करता है। इसमें हिंदी की तरह कोई छंद, कोई अलंकार, किसी तरह का रस ये सब घोला नहीं जाता, यह एकदम पूरी तरह से एग्जैक्टली टॉक करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, देन ए इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। तो अब यहां गौर करिए, यहां ध्यान दीजिएगा, यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल अब हम लेते हैं। ए ये दिखाएगा 5, 8, 9, 3, 4, 2। अब इसको देखिए तो कितना बाय कितना का है? ये 2/3 का मैट्रिक्स है, 2/3 का मैट्रिक्स है। ये भी आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया क्योंकि रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है। हेयर द मैट्रिक्स बी
इज ऑल्सो ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यह भी आपको एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि यहां भी रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है। और ये जो फिर से अगेन सेट अगेन मैट्रिक्स ए इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हेयर नंबर ऑफ रोज आर 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1 एंड बोथ आर अनइक्वल, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिक्स आपको कैसा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया, आप समझ गए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो अब आगे आइए, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो इस हम जो बोलते हैं वो आप उस पर गौर कीजिए, उसको पूरी तरह से समझिए। ये लैंग्वेज इंग्लिश लिखा हुआ है वो कोई बड़ा मैटर नहीं है, इंग्लिश कोई बड़ा तोप नहीं होता, ठीक है ना, ये कोई बहुत भारी चीज नहीं है, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे करेक्शन, कोई परफेक्ट नहीं होता, हम भी नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो उसमें थोड़ी बहुत खामी आती है और उतना हम लोग जो है सो हैंडल करते हैं। तो ध्यान दीजिए दीजिए यहां m इज नॉट इक्वल टू n, बस ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए, सेंस होनी चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट, 6 के बाद अगला हमारा जो है वह है 7 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए क्या है, अब आया स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमको देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिफिनेशन देखिए, कहता है इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम इन टू एन इज एनी मैट्रिक्स, इज एनी मैट्रिक्स देन, और यहां एक और चीज लिखना होगा, सच दैट, इस प्रकार है, सच दैट एम इक्वल टू एन हो जाए, एम इक्वल टू एन, हेयर नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जब रो और कॉलम की संख्या बराबर हो जाएगी तब उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। देन ए इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, वर्ग ऑफ व्यू आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स स्टार्ट हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये थोड़ा यूजफुल मैट्रिक्स है, ये बहुत ही काम होता है, इसका यूज होता है, और इन्वर्टिबल हो चाहे सिंगुलर हो चाहे नॉन सिंगुलर हो, इन सारे चीजों का जब हम डिस्कशन करते हैं, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, स्केलर मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स का, किसी भी इस तरह के मैट्रिक्स का अगर हम डिस्कस करते हैं तो ऐसी स्थिति में सब जगह स्क्वायर मैट्रिक्स इंटर करता है, अट्रैक्ट, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स को आपको समझना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड टर्म्स को भी आप समझ लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या क्या मेन बात होता है, उसको हम समझ लेते हैं तो फिर हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन तो आप समझ गए कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों ही क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको आप क्या बोलोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहोगे। तो अब यहां एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये गौर करिए, यहां पर हम ओनली 7 लिख दिए, अब इसमें कितने रो हैं, 1 और कॉलम भी 1, तो ये मैट्रिक्स जो है 1/1 का, 1/1 का आपको क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, सीधे फर्स्ट ऑर्डर ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं और उस पर बात करते हैं। सेकंड है हमारे पास ये है 5 7 2 8, अगर आप इसे देखें
ये 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है। यहां पर रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है, तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो गई और तब ये मैट्रिक्स भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स, है ना, सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। जब हम सेकेंड बोलते हैं इसका मतलब हो गया 2x2 बोलना है, सेकेंड बोल दिए इसका मतलब क्या बोलना है, 2x2। इसी तरह अगर हम कहीं पे सी ले लेते हैं, यहां भी ए लिए थे हम इसको बी कर देते हैं, सी ले लेते हैं, मान लीजिए सी में हमने दिया 3 8 -9 4 2 7 6 5 -4, ये मैंने लिख दिया। अगर आप इसे देखें इसका ऑर्डर 3x3 है तो हम बोलेंगे द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो जब हम थर्ड ऑर्डर बोलेंगे इसका मतलब हो गया 3x3 का मैट्रिक्स। यदि हम nth ऑर्डर का कहते हैं तो आपको समझ जाना है कि वो n/n का मैट्रिक्स है, nth ऑर्डर हम कह दिए, इट मींस आपको क्या समझ जाना है, n/n का। सो ये आप समझ गए कि किस तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स को बोला जाता है। थर्ड ऑर्डर कहा गया इसका मतलब 3 रो और 3 कॉलम वाला, फोर्थ ऑर्डर कहा गया इट मींस 4 रो 4 कॉलम वाला, अगर हमको फिफ्थ ऑर्डर का कहा तो 5 रो 5 कॉलम वाला, और nth ऑर्डर का कहा तो n रो n कॉलम वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ, इस तरह नोट यहां हम एक बता देते हैं, द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर इज रिटेन एज n/n होता है। अगर हम nth ऑर्डर का कहते हैं तो इसका मतलब ऑर्डर उसका n/n का है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, n/n का। तो अब ये आप समझ गए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। नेसेसरी कंडीशन यही है कि दोनों का उसका जो है रो नंबर एंड कॉलम नंबर्स इक्वल होना चाहिए, द नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब हम इसी में और कुछ समझेंगे। अभी तो हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स स्टार्ट हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स को अभी हम प्रारंभ ही किए हैं, इसको ठीक से इंट्रोड्यूस कर लें, तो आइए हम इसके डायगोनल को समझ लेते हैं पहले। ठीक है, आइए डायगोनल एलिमेंट समझना इसका जरूरी है। अभी हम n/n का जिक्र किए तो अब ये ध्यान दीजिए, ये अगर हम मैट्रिक्स ऐसे ले लेते हैं, ये a11 लिए, ये a12 लिए, ये 13 लिए, डॉट डॉट ये a1n तक आया, फिर यहां a21 लिखे, यहां a22 लिखे, यहां हम a23 लिखे, डॉट डॉट यहां a2n लाए, फिर ये A31 आया, यहां A32 आया, और यहां पर A33 आया, डॉट डॉट A3N आया। इस तरह से ये बढ़ते हुए जब आगे आया तो ये AN1 हुआ, ये AN2 हुआ, ये AN3 हुआ, और इसको डॉट डॉट ANN हुआ। क्लियर है आपके पास ये मैट्रिक्स? बताइए ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है जी? N/n का है, और ये भी आपको क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी आपको क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप इसे देखें तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जो हम आपको समझाने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आप थोड़ा ठीक से देखिएगा, ये ऐसे जो आ रहा है ये इस तरह से, और यहां से ये ऐसे, अगर देखिए ये दिख रहे हैं आप, इसको आप प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, मुख्य विकर्ण,
प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण आपको हो गया। और जब आप इसी को ऐसे लेके जाइएगा इस तरह से, है ना, ऐसे ये, तो इसको आप सेकेंडरी डायगोनल कहेंगे, सेकेंडरी डायगोनल द्वितीयक विकर्ण, सेकेंडरी डायगोनल जिसको हिंदी में आप द्वितीयक विकर्ण कहेंगे, ठीक है, द्वितीयक विकर्ण, चलिए हिंदी में लिखते हैं सेकेंडरी डायगोनल द्वितीयक विकर्ण, और प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण हो गया। अब आप यहां ठीक से समझिए, प्रिंसिपल डायगोनल देख लिए, सेकेंडरी डायगोनल देख लिए, अगर आप यहां देखेंगे इसको ठीक से, ये है और ये ऐसे आया इस तरह से ये, तो ये हमारे लिए प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, और ये हमारे लिए ऐसे जो जाएगा ये सेकेंडरी डायगोनल हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम इसमें आ जाएं थ्री बाय थ्री में, थ्री बाय थ्री में, यहां ये देख रहे हैं, इसको ठीक से देखिए, ऐसे ये जो आया इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल, या सीधे डायगोनल अगर कहीं चर्चा किया रहता है किसी क्वेश्चन में, डायगोनल एलिमेंट चर्चा किया रहता है, तो आप समझ जाइए कि वह प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में ही बात कर रहा है। यदि आपको केवल डायगोनल वर्ड यूज हो, ना प्रिंसिपल लिखे ना सेकेंडरी लिखे, कुछ भी ना लिखे, तो आपको मेन डायगोनल ही समझना है, ये डायगोनल ही समझना है, मेन डायगोनल यही है, इसी को समझना है आपको, इस डायगोनल के बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, अब थोड़ा गौर से देखना, ठीक है, थोड़ा गौर से देखना, इसका सफिक्स 11, इसका सफिक्स 22, इसका 33, इसका NN, इट मींस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, उसके सभी के लोअर सफिक्स जो होंगे उसमें रो नंबर एंड कॉलम नंबर्स दोनों इक्वल होने चाहिए और होगा, है ना, ये ध्यान रखिए, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे उसके रो नंबर एंड कॉलम नंबर इक्वल होंगे, रो नंबर एंड कॉलम नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए हम यहां डिस्कस करें, थोड़ा इसको लिख दें यहां पर नोट, है ना, लिखिएगा एनी एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पर और थोड़ा इसको लिख लीजिए, एनी एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट डायगोनल एलिमेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायगोनल एलिमेंट, कब, If I equal to j, that is a i i और a j j, देखिए दोनों बराबर कर दिए, i i j j, क्योंकि i की जगह j रख सकते हैं, j की जगह i रख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट, तो लिख दिए हैं, represents डायगोनल एलिमेंट, है ना, एलिमेंट्स, चलिए क्लियर हो गया, आई का वैल्यू रख दीजिए 11, चाहे जे जे जो भी रखिए, अगर आई जगह यहां 1 लीजिएगा तो 11, 22, 33, 44 ऐसे जाएगा। अब ये डायगोनल एलिमेंट हो गया, कोई पूछ देगा कि डायगोनल एलिमेंट का कंडीशन क्या है, तो जवाब दीजिएगा आई इज इक्वल टू जे, और उसका सिंबल क्या होगा, तो कहिएगा ए आई आई और ए जे जे रिप्रेजेंट द डायगोनल एलिमेंट्स, क्लियर हो गया। अब हम आगे आते हैं, एक वर्ड और यहां आ गया, वो वर्ड क्या है थोड़ा सा सुन लीजिए, उसको कहते हैं ट्रेस और अस्पर, ट्रेस और अस्पर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, और जब भी वो ट्रेस और अस्पर डिफाइन होगा तो वो आपको डिफाइन होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही, जब भी आपको ट्रेस और अस्पर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन होगा तो वो आपको कहां डिफाइन होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में, ट्रेस और अस्पर, SPUR, अस्पर ऑफ मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही। तो ये क्या होता है सो देखिए, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एनी
स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस और स्पर ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपको डिफिनेशन हो गया। ट्रेस किसको कहेंगे समझ में आया आपको? ट्रेस क्या होगा? ट्रेस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर देंगे। सारे डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो वो हमको ट्रेस देगा या अस्पर देगा, है ना? ट्रेस और अस्पर। तो आइए यहां ठीक से समझ लीजिए इसको, और भी इसका हम क्लियर लिख देते हैं। अगर हमको टी आर ए ट्रेस ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, टी आर ए, चाहे कहीं कहीं पर लेमडा ए भी लिख दिया जाता है ऐसे, तो आपको वही समझना है ट्रेस ए और लेमडा ए। तो ये बोला सारा डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर देना है। इट मीन्स ए वन वन प्लस ए टू टू प्लस ए थ्री थ्री प्लस डॉट 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 ए एन एन हो गया। ये सारा ऐड कर दिए। अगर हम चाहें तो इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा ए आई आई, और वेरिएबल आई कहां से कहां मूव कर रहा है, तो वन से लोअर लिमिट वन से एन तक। अब लोअर लिमिट वन लीजिए, सिग्मा तो जोर का सिंबल है, सिग्मा किसका सिंबल है? जोर का। तो अगर हम वन डालते हैं तो वन वन पूरा हो गया फर्स्ट, प्लस ए टू टू ए थ्री थ्री ऐसे हो गया। तो ये आपको ट्रेस निकल गया। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस अगर आपसे पूछ दे तो भारी है क्या, क्या करिएगा? उसके डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? कई बार तो एग्जाम्पल देना पड़ जाता है, और ये छोटी छोटी बातों का एग्जाम्पल नहीं देखना चाहिए, समझना चाहिए, खुद से एग्जाम्पल लेकर के समझना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए। मैथमेटिक्स है तो थोड़ा आपको डेवलप अपने ब्रेन का करना चाहिए, थोड़ा अपने सोच को बढ़ाना चाहिए, छोटी छोटी बातों को एग्जाम्पल से ढूंढते नहीं रहना चाहिए। आइए, फिर भी आदत से लाचार हैं हम, आपको बताएंगे। देखिए यहां ए इक्वल टू, अगर हम यहां ले लेते हैं फाइव एट थ्री माइन फोर माइनस टू सिक्स नाइन सिक्स फोर। अब हमसे पूछ दे ट्रेस ए क्या है, ट्रेस ए क्या है? तो डायगोनल एलिमेंट को ऐड करना है, तो फाइव ये माइनस टू प्लस फोर ऐड कर दिए, नौ में से दो गया सात, यही इसका ट्रेस निकल गया, अस्पर निकल गया। किसी को शायद इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट ये आप ऐसे मत ऐड करिएगा, ऐसे नहीं, सेकेंडरी नहीं, ओनली प्रिंसिपल, क्लियर? अब आपको ट्रेस निकालना आ गया होगा, ठीक है? ट्रेस अब सीख गए। स्क्वायर मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन यहां पर समाप्त होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे हम बढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स शायद हमारा सेवन नंबर था, अब हम आठ नंबर में आते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अगला जो हमारा मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अगला हमारा जो है वो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। किसी तरह का कोई डाउट इसमें अब नहीं होना चाहिए। ये नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। तो समझिए ये क्या है। कहता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, सीधे मैट्रिक्स नहीं, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए, सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो देखिए यहां क्या लिखते हैं, इफ ए इक्वल टू ए आई जे, है ना, एम बाय एन इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी सीधे एनी मैट्रिक्स लिखते हैं। अब तब देखिए इसको हम क्या क्या करते हैं, सच दैट कंडीशन थोड़ा ठीक से देखिएगा क्या क्या है। फर्स्ट लिख दिए एम बराबर एन, जो ही हम m बराबर n यहां लिख दिए, सच दैट m बराबर n जो लिख दिए, इसका मतलब हमने क्या बोल दिया इसको, सो बताइए। तो जो ही हम m बराबर n कह दिए तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स इसको हम बोल दिए, नहीं यहां वर्ड यूज नहीं किए, लेकिन हम इस लाइन को लिखने के साथ ही उसको कह दिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए कहता है ए आई जे इक्वल टू जीरो, कब, फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, जब जब आई और जे बराबर नहीं हो,
जब जब आई और जे बराबर नहीं हो तब तब उस एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा, जीरो। अगर इस पूरे बात को अगर हम कहें तो सीधे कहेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो है जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। देन ए इज कॉल्ड, ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब थोड़ा एग्जांपल इसको समझ लीजिए, मान लीजिए अगर हम ए लेते हैं एक मैट्रिक्स और यहां पर एक सिंबल दिए डी वन, यहां जीरो जीरो, फिर जीरो और डी टू जीरो, जीरो जीरो और डी थ्री। गौर करिए ये पोजीशन क्या था, वन वन, क्या था वन वन, आई और जे आपस में बराबर है, तो ये जीरो हो चाहे नहीं हो उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, उसके बारे में जिक्र ही नहीं किए हैं वो क्या होना चाहिए। हाँ अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में एक बात आया कि कई जगह डायगोनल एलिमेंट का डिफिनेशन अलग अलग बुक्स में मैंने देखा है कि अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया है, कुछ बुक्स में डायगोनल एलिमेंट को भी जीरो रहने का अधिकार दिया है और कुछ बुक में डायगोनल एलिमेंट को जीरो रहने का अधिकार नहीं दिया है, और कुछ में तो ऐसा कहा कि डायगोनल एलिमेंट इक्वल रहना भी नहीं चाहिए, सभी अनइक्वल होना चाहिए। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है, आप पूरी तरह से ये कंफर्म हो लीजिए कि सिंपल ऐसा जो लिखे हैं यही है, इतना ही कंडीशन की आवश्यकता है आपको। तो सारा एलिमेंट ये जीरो हो जाए, ये जीरो रहे या ना रहे इसमें कोई हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब यह डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, क्या हो गया डायगोनल। अब इसी को अगर थोड़ा दूसरे तरीके से लिखें तो डी आई ए जी ऐसे लिख दीजिए, अब ब्रैकेट ऐसे दीजिए, ये वाला डी वन, अब फिर थोड़ा हटा के डी टू, अब फिर हटा के डी थ्री, और इसे बंद कर दीजिए, डी वन डी टू डी थ्री लिख दीजिए। देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, जितना बड़ा ये बात है वही ये है, दोनों सेम लिखा हुआ है, अलग अलग नहीं है। So, कहीं भी अगर आपको ऐसा लिखता लिखा हुआ मिलता है फाइव जीरो, अच्छा यहां जीरो क्यों लिए, क्योंकि वन टू पोजीशन क्या है, वन टू, वन टू पहला रो दूसरा कॉलम, पोजीशन वन टू, और वन बराबर टू नहीं होता है, वन बराबर टू नहीं होता, इसलिए ये जीरो होना चाहिए, तो जीरो हो गया। अब ये भी जीरो हो गया, वन थ्री, फिर टू वन बराबर नहीं होता था, जीरो टू टू बराबर हो गया, मन करे तो जीरो दे दो, नहीं मन करे तो मत दो, टू थ्री यहां सिक्स दे दिए, फिर यहां हम जीरो देंगे, थ्री वन बराबर नहीं है, जहां बराबर नहीं है वहां तो जीरो देना 100% कंफर्म है, जीरो ही देना है, थ्री टू बराबर नहीं है जीरो, थ्री थ्री मन किया तो कुछ नंबर दे दिए, सॉरी यहां पर हम जीरो लिखे हैं। अब देखिए, अब गौर करिए ये डायगोनल एलिमेंट है, तो लिखेंगे डी आई ए जी, और इसको आप ऐसे फाइव जीरो सेवन लिख दीजिए, बात एक ही है। तो आई होप कि आप डायगोनल मैट्रिक्स समझ गए होंगे कि क्या होता है ना। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमारा नाइन नंबर टाइप जो है डायगोनल के बाद, आइए इसका स्केलर मैट्रिक्स नाम है, क्या है स्केलर मैट्रिक्स, नाम से क्लियर है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, जो ही हमने डायगोनल कह दिया तब स्क्वायर होना पक्का हो गया, और जो ही डायगोनल कह दिया तो नॉन डायगोनल एलिमेंट को जीरो होना भी हो गया। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका सारा डायगोनल एलिमेंट बराबर हो जाए, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सुन के डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका सारा डायगोनल एलिमेंट बराबर हो जाए, एक लाइन में डिफिनेशन खत्म हो गया, स्केलर मैट्रिक्स आ गया। तो अब यहां पे इसको थोड़ा चेंजिंग करते हैं, सच दैट ये तो फिक्स रहेगा, ये रूल भी फिक्स रहेगा, अब थोड़ा यहां पर हमको एक लाइन और लिखना पड़ेगा। ये लिखे थे फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, एंड लास्ट में लगा दीजिएगा एंड ए आई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी आई आई, इट मीन्स बराबर हो जाए, कहीं कहीं ऐसे भी लिख देगा और ए आई जे बराबर सी फॉर ऑल आई बराबर जे,
जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, और जब नीचे वाला लिखते हैं तब हमको थोड़ा मेंशन करना पड़ता है कि आई बराबर जे होगा, ये मेंशन करना पड़ता है, लेकिन यहां आपको करने की आवश्यकता नहीं है जब ऊपर वाला लिखिएगा तब। तो अब ये कहा कि ये सब बराबर हो जाना चाहिए, चलिए ये बराबर हो गया, डी 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 तीनों जगह बराबर। तो अब ये आपको कैसा मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल तो है ही लेकिन साथ ही साथ अब ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। क्या बढ़ गया नाम, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, कई जगह पर ये लिखता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट सॉरी डायगोनल एलिमेंट अनइक्वल होने पर ही डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ऐसा भी कई जगह पर मेंशन किया हुआ रहता है। तो अब आइए थोड़ा सा आगे देखिए, नेक्स्ट नंबर एग्जांपल लें अगर हम, तो ये 5005 ये आपको स्केलर मैट्रिक्स हो गया। सी लेते हैं हम 700070007। अब अगर गौर करिए ये 11, ये 22, ये 33 सब जगह बराबर है, बाकी जगह 000। तो ये मैट्रिक्स आपको कैसा हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब स्केलर समझ गए, बहुत आसान था स्केलर में, सारा डायगोनल एलिमेंट बराबर हो गया। अब हमारा 10 नंबर जो है उसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी दोनों नाम यूज कर सकते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हिंदी इसका जो इकाई आप भी कह सकते हैं, इकाई आप भी, तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए यहां एम इक्वल टू एन है, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो है, सब कुछ सेम सेम होना चाहिए, एंड ए आई आई बराबर अब सी की जगह ये एक कर देना है, कॉन्स्टेंट फिक्स कर दिए। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1111 हो, 777 रहने पे नाम था स्केलर। अब सारा स्केलर यूनिट नहीं हो सकता, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा यदि इसी जगह ये हमको 1 यूज हो जाए, ये हमको 1 यूज हो जाए और ये हमको 1 यूज हो जाए, तब इसको हम कहेंगे क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, इसको बोलेंगे हम द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। अब इसका सिंबल देखिए क्या होगा, इसका सिंबल ऐसे लिखाएगा I3। उसी तरह अगर हमको I1 लिखना है तो केवल एक लिख के छोड़ दिए, I2 लिखना है तो 1001। ठीक है, कई जगह केवल I मेंशन होता है, तो क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो आपको I भी 3x3 का लेना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आपको I भी 2x2 का ही लेना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम यूनिट मैट्रिक्स डिसाइड करते हैं कि किस ऑर्डर का हमको चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे आई थिंक कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। अब आप यूनिट मैट्रिक्स भी समझ गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको कहते हैं। नेक्स्ट अब हमारा जो मैट्रिक्स आएगा उसका नाम है, आइए इसको भी हम लोग देखें, 11 नंबर जो है हमारा उसको भी देख लेते हैं। मैट्रिक्स को जैसा कि हमने आपको बताया कि मैट्रिक्स बहुत टाइप के आएंगे और सभी टाइप हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे जैसे ऑपरेशन का स्टडी करेंगे वैसे वैसे हम टाइप भी इसका पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए 11 नंबर पढ़िए, 11 नंबर में देखिए क्या है, ये कहता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नाम क्लियर है अपर ट्रायंगुलर, इट मींस ऊपर में ट्रायंगल बनेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, ऐसे लिख रहे हैं, इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे इज एनी मैट्रिक्स स्क्वायर बना देते हैं, कैसे, ऐसे लिख के सच दैट, ये सच दैट के बाद जो लिखते हैं वही तो खतरनाक है, उसी को ध्यान रखना है, एम बराबर एन पहला कंडीशन, और दूसरा कहा कि ए आई जे बराबर जीरो होना चाहिए, ए आई जे बराबर जीरो होना चाहिए फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे, जब जब आपको आई का वैल्यू
जे से ज्यादा हो, आई का वैल्यू जे से ज्यादा हो तो आपको क्या लेना है, जीरो लेना है, और आई का वैल्यू यदि जे से कम हो तो जीरो नहीं लेना है। और तब देखिए क्या हो जाएगा, एंड ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। आगे क्या लिखना, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे, देन ए इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए अब इसका एग्जांपल थोड़ा आइए सीखिए, पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए हम ले लिए एक मैट्रिक्स ऐसे, ठीक है। अच्छा बताइए यहां क्या पोजीशन है, वन वन, तो क्या आई भी वन है और जे भी वन है, तो क्या आई जे से बड़ा है, बराबर ना है जी, बड़ा तो नहीं है, बराबर है। तो इस जगह हम कोई नंबर रखेंगे, ये हम जीरो नहीं रखेंगे। अब आगे चलिए, यहां पे आइए, यहां क्या पोजीशन होता है, वन टू, वन टू, आई है वन, जे है टू, वन टू जब बोलते हैं तो आई वन जे टू, तो वन टू से ज्यादा है क्या, आई ज्यादा है कि जे ज्यादा है, तो जे ज्यादा है, आई ज्यादा नहीं है। तो बोला कि जब आई ज्यादा होगा तभी जीरो लीजिएगा, तभी हम जीरो नहीं लेंगे, सिक्स ले लिए। अब यहां फिर वन थ्री, तो फिर आई कम है और जे ज्यादा है, तो नंबर दे देते हैं। चलिए यहां आइए, टू वन, आई हो गया टू और जे हो गया वन। ठीक से खोपड़ी के अंदर सोचिएगा कि टू वन पोजीशन है ये, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम टू वन, तो आई ज्यादा है जे कम है तो फिर जीरो। टू टू फिर बराबर हो गया, कुछ नंबर दे देते हैं टू, और फिर टू थ्री तो कुछ नंबर दे देते हैं फोर, है ना। फिर देखिए थ्री वन, थ्री वन क्या है, थ्री ज्यादा हो गया तो अब जीरो, थ्री टू फिर जीरो, थ्री थ्री कुछ नंबर दे देते हैं। चलिए अब जो आप गौर करिएगा तो इसको देखिए, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जो नॉन जीरो एलिमेंट है उससे, और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप समझ गए कि क्या होता है, ऊपर में ट्रायंगल बनेगा, नीचे जीरो हो गया। अब 12 नंबर जब बात करें हम, 12 नंबर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद 12 नंबर में आए, तो अब हम थोड़ा लोअर ट्रायंगुलर बना देते हैं इसको, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए सारा डिफिनेशन तो ऐसे ही जाएगा, अब बस यहां केवल क्या कर देना है, लेस देन जे बना देना है, बस ये देखिए आपको बन गया कौन ट्रायंगल, कौन मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। और एग्जाम्पल में भी अब चेंजिंग आएगा, एग्जाम्पल में भी बदलाव आएगा। क्या आएगा बदलाव, थोड़ा ठीक से देखिए, है ना। मानिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं इस तरह से, ये है वन वन, अब आई और जे बराबर है, कुछ नंबर रखना पड़ेगा। वन टू, आई कम जे ज्यादा, आई कम जे ज्यादा, जीरो बोला रखने। वन थ्री, आई कम जे ज्यादा, जीरो। टू वन, आई ज्यादा हो गया, कुछ नंबर रखना पड़ेगा। टू टू बराबर है, फिर नंबर रखना पड़ेगा। टू थ्री, फिर आई कम हो गया, जीरो। थ्री वन, नंबर रखना होगा। थ्री टू, फिर नंबर रखना होगा, क्यों रखना पड़ेगा, थ्री वन थ्री टू, आई कम क्या है, ज्यादा है, बोला आई कम होगा तब जीरो रखिएगा, थ्री थ्री, तो एक नंबर रख दीजिए। अब गौर करिए, ऐसे जो अगर हम मिला दें इसको, ऐसे एक बना दें, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। तो अब आप समझ गए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा एक और टाइप है, थर्टीन नंबर, आइए थर्टीन नंबर, इसको हम सब मैट्रिक्स कहते हैं, सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होता है, एनी मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेंड बाय डिलीटिंग और ओमिटिंग, जो वर्ड यूज करिए, बाय ओमिटिंग और डिलीटिंग, जो लिखना है लिखिए, बाय डिलीटिंग लिख देते हैं, ज्यादा आप ये वर्ड से परिचित हैं, ठीक है। ओमिटिंग भी होता है कहीं, रिमूविंग भी लिख सकते हैं। व्हिच इज ऑब्टेंड बाय डिलीटिंग सम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इज कॉल्ड
द सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, जब किसी मैट्रिक्स में से कुछ रो या कुछ कॉलम को हटा देते हैं तब जो नया मैट्रिक्स क्रिएट होता है वो दिए हुए मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है ना, वो दिए हुए मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, सब मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ठीक से यहां देखिए, ध्यान से देखिए आप क्या लिखा हुआ है। एनी मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेंड बाय डिलीटिंग सम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इज कॉल्ड द सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, यहां ए देखिए, यहां ए हम ले लिए 5 8 3 6 4 9 2 4 6। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें से एक रो कॉलम हटा दिए, थर्ड कॉलम, तो क्या लिखाया 5 6 2 8 4 4। ये आपको ए वन नाम दिए इसका, और ये सब मैट्रिक्स ऑफ ए कहलाएगा। एक कॉलम हटा दिए, क्या हटाए तो C3 है ना इज डिलीटेड, ये डिलीटेड कर दिया गया C3। ये फर्स्ट C1 C2 C3 R1 R2 R3 ऐसे नाम देते हैं। अब देखिए A2 निकालते हैं, हम क्या करते हैं ऐसे लिख देते 6 4 2 4। क्या क्या डिलीट किया गया, आफ्टर डिलीटिंग R1 एंड C3, पहला रो और तीसरा कॉलम डिलीट कर दो, ये खत्म हो गया, बच गया 6 4 2 4 ये वाला। अब ये भी एक तरह का सब मैट्रिक्स है। इस तरह से कई सब मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का जनरेट किया जा सकता है। तो इतना हम आपको अभी टाइप समझा दिए हैं, जैसे ही हम और भी ऑपरेशन पर डिस्कस करेंगे तो आपको और भी मैट्रिक्स का टाइप हम आगे बताएंगे। और यह आपके लिए जितना बताया गया है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है मैट्रिक्स का, यह एक बेसिक है, और यहां से ये धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये एकदम अच्छा से पूरी तरह से वटवृक्ष बन जाएगा, एक लंबा तगड़ा चैप्टर है। और ये ऊपर जाइएगा जब ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में मैट्रिक्स का एक स्पेशल बुक ही आ जाता है। ठीक है, बहुत मोटी बुक तो नहीं लेकिन फिर भी अच्छी खासी होती है, और वहां पे और भी हायर पढ़ना पड़ता है। तो जिन बच्चों को ख्वाहिश है कि आगे चल करके अगर हम ग्रेजुएशन करें आगे डेवलप, तो वो बेस को मजबूत बनाए अभी से ही। ठीक है, स्ट्रोंग वे में पढ़ाई कीजिए आप। तो जितना आपको हम कॉन्सेप्ट आज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज में दिए हैं इसको ढंग से पढ़िए, आपको कैसा लगता है कृपया कमेंट जरूर करें। मैं देखता हूं कि बच्चे व्यू अच्छे खासे होते हैं, 400 बच्चे 500 बच्चे किसी वीडियो को देखते हैं तो कमेंट करते हैं लगभग 50 60 या 10 20 इस तरह से। सो काइंडली अगर आप वीडियो देखते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, अगर बुरा है तो बुरा ही कमेंट मुझे चाहिए, कमेंट चाहिए जिससे कि मैं अपने आप में सुधार ला सकूं। ठीक है, सो आप कमेंट श्योर करें, अगर आप स्टडी करते हैं पढ़ रहे हैं तो कृपया कमेंट जरूर करें, और जब अच्छा लगे वीडियो तो आप अपने दोस्तों से जरूर इसे शेयर करिए पूरा देखने के बाद, क्योंकि यह चैनल सिर्फ मेरा नहीं आप सबों का है। आप जितना इसे प्यार देंगे, जितना बेहतर तरीके से इसे समझ करके प्रमोट करेंगे उतना यह आगे बढ़ेगा। सो आप पढ़ें इस पर मन लगा के, और अगर कोई खामी है किसी तरह की कोई कमी है तो आप हमें जरूर अवगत कराइए जिससे मैं इसे दूर कर सकूं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद जय भारत।